Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में प्रयोगात्मक विधि के अर्थ उसके विभिन्न स्टेप्स के बारे में जाना ये जाना कि प्रयोगात्मक विधि किसे कहते हैं और किसी प्रयोगात्मक विधि के द्वारा यदि हमें कोई रिसर्च करनी है तो उस रिसर्च में हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है प्रयोगात्मक विधि और उससे जुड़े स्टेप्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रयोगात्मक विधि के एक महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम लोग प्रयोगात्मक विधि से जुड़े हुए शब्द जैसे कि सिस्टमैटिक वेरिएंस, उसके अर्थ उसके सोर्सेस, एक्सटेनियस वेरिएंस, उसके अर्थ उसके सोर्सेस, एरर वेरिएंस, उसके अर्थ उसके सोर्सेस तथा एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल करने के जो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बारे में आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे यदि हम रिवीजन के लिए याद करें तो प्रयोग में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल तथा एक्सट्रेनियस वेरिएबल मुख्य रूप से होते हैं जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए जाने वाले मैनिपुलेशन या जोड़ तोड़ या चेंजेस का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं और यह प्रभाव हम लोग अंडर कंट्रोल कंडीशंस अर्थात नियंत्रित अवस्थाओं में वो अवस्थाएं जो प्रयोगकर्ता के द्वारा डिज़ाइन और कंट्रोल की गई हैं उसमें देखते हैं आज प्रयोगात्मक विधि में हम लोग सिस्टमैटिक वेरिएंस किसे कहते हैं तथा यह किन किन कारणों से जन्म लेता है तथा इसको किस प्रकार से हम लोग अपने प्रयोग में उपयोग करते हैं तथा इसका क्या रूपरेखा है हमारे प्रयोग के सक्सेस होने में इसके बारे में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो जब हम प्रयोगात्मक विधि के पहले स्टेप यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चर्चा किए थे तब हम लोगों ने ये समझा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात स्वतंत्र चर का हम लोग अपने प्रयोग प्रयोग में किस प्रकार यूटिलाइज करते हैं उसका हमारे प्रयोग में क्या महत्व है आज हम लोग ये जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है उसे हम लोग किस प्रकार और बढ़ा सकते हैं तो हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर अर्थात प्रयोगकर्ता के वो कौन कौन से कार्य हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़े वो इस किस तरह की पद्धतियों को उपयोग में लाता है या ला सकता है जिससे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को और ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से दिखा सके सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रयोगकर्ता का क्या कार्य है तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रयोगकर्ता का जो मुख्य कार्य है वह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्लानिंग करना प्लानिंग अर्थात कि किस प्रकार से हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे किस प्रकार से हम अपनी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करेंगे उसमें हमारे चर की क्या रूपरेखा होगी यह हमारे प्रयोगकर्ता का पहला कार्य है लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो प्लानिंग है ये प्रयोगकर्ता सिर्फ अपने मन से या किसी इंट्यूशन या जो उसे लगा उसके हिसाब से नहीं करता है ये जो रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड प्लानिंग है ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के द्वारा तो जिस प्रकार का हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है जो वो अलाउ करता है उसी प्रकार हमारा प्रयोगकर्ता अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो मैनिपुलेशन उसे करने हैं उन्हें प्लान करता है डिज़ाइन करता है सेकंड हमारे प्रयोगकर्ता का कार्य है कि वो जो मैनिपुलेशन प्रपोज करे डिज़ाइन करे इम्प्लीमेंट करे वो सिस्टमेटिक हों सिस्टमेटिक का अर्थ है किसी एक निश्चित ऑर्डर में हो यहाँ ऑर्डर का अर्थ यह नहीं है कि वो किसी भी ऑर्डर में हो। ऑर्डर का अर्थ है सिस्टमेटिक हो निश्चित ऑर्डर में हो ऐसा नहीं है कि हम एक कंडीशन में एक अलग ऑर्डर को फॉलो करें और दूसरी कंडीशन में हम लोग किसी दूसरे ऑर्डर को फॉलो करें तो ये जो ऑर्डर हो ये सिस्टमेटिक हो प्री प्लान्ड हो ताकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख सके और कॉज एंड इफेक्ट का मॉडल इस्टैब्लिश कर सके थर्ड जो एक्सपेरिमेंटर का मुख्य कारक है या कार्य है वह है मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन किस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रयोगकर्ता अपने प्रयोग को शुरू करने से पहले यह पूरी तरह से निर्धारित करता है कि वह अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किस प्रकार से मैनिपुलेशन करेगा और किस प्रकार से इस मैनिपुलेशन का प्रभाव वह डिपेंडेंट वेरिएबल पर मेज़र करेगा तो एक्सपेरिमेंटर के यही तीन मुख्य कार्य हैं जिसमें वह सबसे पहले अपनी रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन का प्लान डिजाइन करता है जितना यह कहने में आसान लगता है यह उतना आसान नहीं होता है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत अलग अलग तरह की नेचर होती है बहुत अलग अलग तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसकी ये नेचर और करेक्टरिस्टिक यह निर्धारित करती है कि वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस प्रकार से प्रभावित करेगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले अच्छे से स्टडी करके उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र करके ही एक्सपेरिमेंटर अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन की प्लानिंग करता है अब हम ये जानते हैं कि ये जो मैनिपुलेशन है ये किन दो मुख्य तरह से हो सकता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैनिपुलेशन या चेंजेस को लेकर दो पार्ट्स या टाइप बताए गए हैं जिसमें पहला चेंज क्या इनकॉर्पोरेट करता है वह है लेवल्स ऑफ आईवी। अर्थात यहाँ पर प्रयोगकर्ता के पास यह फ्रीडम होती है कि वो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ मैनिपुलेशन स्वयं कर सके उसके कुछ लेवल खुद निर्धारित कर सके खुद ये डिसाइड कर सके कि किस पार्टिसिपेंट को वह किस तरह की लेवल्स में कंडीशंस में रखेगा और उन लेवल्स पर उसका या आप कहिए उस वेरिएबल पे जो मैनिपुलेशन इनकॉर्पोरेट किया जाता है उस पर प्रयोगकर्ता का पूर्ण निर्धारण होता है वह उसे स्वयं नियंत्रित कर सकता है लेकिन जो दूसरी तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनमें प्रयोगकर्ता स्वयं अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर पाता है तो उस तरह के वेरिएबल पर हमारा प्रयोगकर्ता एक अलग तरीके से मैनिपुलेशन इनकॉर्पोरेट करता है जैसे एज जेंडर ये वो वेरिएबल हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटर प्रयोगकर्ता किसी प्रकार का मैनिपुलेशन इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता अर्थात वह स्वयं इन वेरिएबल्स के लेवल्स को इनके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता जबकि यदि एक वेरिएबल मेरा टेम्परेचर है तो मैं एज ए एक्सपेरिमेंटर उस वेरिएबल के लेवल्स को मैग्नीट्यूड को स्वयं ही नियंत्रित कर सकता हूँ मेरे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से मैं टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता हूँ लेकिन एज जेंडर रिलीजन और विभिन्न तरह के डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को प्रयोग करता स्वयं मैनिपुलेट नहीं कर पाता तो इस तरह की कंडीशंस में वह इन वेरिएबल्स को क्लासिफिकेशन कैटेगरीज़ और सैम्पलिंग के थ्रू मैनिपुलेट करता है जैसे जेंडर या एज यदि मुझे एज या जेंडर को मैनिपुलेट करना है और ये जानना है कि इन दोनों वेरिएबल्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स का क्या प्रभाव पड़ेगा तो इस कंडीशन में मैं जेंडर के दोनों टाइप मेल और फीमेल का सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंगली अपने प्लान के अकॉर्डिंगली करूँगा और इस प्रकार से इस तरह के वेरिएबल्स में मैं मैनिपुलेशन इनकॉर्पोरेट कर पाऊँगा अब दूसरा एग्जांपल जैसे एज एक एक्सपेरिमेंटर किसी पार्टिसिपेंट की एज घटा या बढ़ा तो नहीं सकता लेकिन जब वो सैम्पलिंग करे सैंपल कलेक्ट करे उस समय वो उस एज को पहले से निर्धारित डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकता है जैसे वह पहले ही डिसाइड कर ले कि हम लोग एक कैटेगरी 20 से 30 साल के लोगों पर दूसरी कैटेगरी वो लोग जिनकी उम्र 31 से 39 या 40 है तीसरी कैटेगरी जिनकी फोर्टी वन से एज फिफ्टी है और इस प्रकार से मैं अपनी एज को मैनिपुलेट कर पाता हूँ लेकिन किस तरीके से सैम्पलिंग या कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन के माध्यम से तो अभी हमने देखा कि हम किस किस प्रकार से अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन अब हम ये एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है इसके लिए हमें बहुत सारी नॉलेज एकत्र करनी होती है जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि मुझे प्रैक्टिस का इफ़ेक्ट लर्निंग पर या परफॉर्मेंस पर देखना है तो इस परिस्थिति में मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ मेरा प्रैक्टिस का इफ़ेक्ट मुझे माना परफॉर्मेंस पर चेक करना है तो यहाँ पर मैं एज ए एक्सपेरिमेंटर प्रैक्टिस के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स डिसाइड करूँगा या आप कहिए मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करूँगा तो हम ये कह सकते हैं कि हम प्रैक्टिस के डिफ़रेंट डिफरेंट नंबर्स डिसाइड कर लेंगे जैसे हम कहें कि हम पहले एक ग्रुप को एक बार प्रैक्टिस कराएंगे दूसरे ग्रुप को दो बार प्रैक्टिस कराएंगे तीसरे ग्रुप को तीस बार तीस, तीन बार प्रैक्टिस कराएंगे और इसी तरीके से हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रैक्टिस का क्या कोई प्रभाव परफॉर्मेंस पर पड़ता है या नहीं लेकिन हम इसे दूसरी तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल लें पार्टिसिपेंट लें और पहले उन्हें एक बार प्रैक्टिस कराएं फिर उनका परफॉर्मेंस देखें दूसरी बार प्रैक्टिस कराएं फिर उनका परफॉर्मेंस देखें तीसरी बार भी प्रैक्टिस कराएं फिर उनका परफॉर्मेंस देखें तो ये दोनों जो मैंने प्लान डिसाइड किए ये मुझे किस बारे में निर्धारित करने हैं हमारी नेचर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे यदि मुझे यह नॉलेज हो मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता चले कि प्रैक्टिस का इफ़ेक्ट एक समय के बाद कम होने लगता है ये मुझे जानकारी मिले कि शुरू में जब आप प्रैक्टिस को नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ाते हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे एक पॉइंट आने के बाद वहाँ से परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होती है बल्कि फटीक या और बहुत सारे कारणों के माध्यम से जो व्यक्ति की परफॉर्मेंस है नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ने के साथ एक पॉइंट पर कम होने लगती है तो जब मेरे पास ये जानकारी एकत्र एक होगी तो इस जानकारी के आधार पर ही मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सिस्टमेटिकली प्लैंड मैनिपुलेशन इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगा। यदि मैं इसमें फेल होता हूं, तो मेरी रिसर्च का जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ हद तक डिस्टॉर्टेड होगा या आप कहिए कि जो रियलिटी है उसे प्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो अब हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या पर्पस होता है और उस पर्पस हमारे एक्सपेरिमेंटर का क्या पर्पस होता है और ये पर्पस हमारे एक्सपेरिमेंट के पर्पस से किस प्रकार से जुड़ा होता है तो चाहे हमारे एक्सपेरिमेंटर का पर्पस हो या एक्सपेरिमेंट का क्योंकि एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंट को ही कर रहा है और उसका उद्देश्य अपने एक्सपेरिमेंट को सही से सही सही से पूरा करना है तो उस अवस्था में दोनों के उद्देश्य एक जैसे होंगे तो हमारे एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटर का पहला उद्देश्य है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को देखना लेकिन किस पर देखना डिपेंडेंट वेरिएबल पर तो अभी हमने जो डिस्कशन किया जितनी भी बातें बताई, एक्सपेरिमेंटर के बारे में कि एक्सपेरिमेंटर को एक्सपेरिमेंट डिसाइड करने से पहले डिज़ाइन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है किन किन चीज़ों का पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो किस लिए की जा रही है ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख सकें तो जो हमारा सिस्टमेटिक वेरिएंस है वो यही है अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो वेरिएबिलिटी जो चेंजेस आ रहे हैं जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो जो कॉरिस्पॉन्ड करते हैं या जिनका कारण है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सपेरिमेंटर द्वारा किया गया सिस्टमैटिक प्लैंड मैनिपुलेशन उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक वेरिएंस। तो साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो हमारे एक्सपेरिमेंटर का मुख्य कारक कार, कार मुख्य कार्य है कि वह अपने एक्सपेरिमेंट में सिस्टमेटिक वेरिएंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लियरली मेज़र करे और उसे जितना ज़्यादा मैक्सिमम बढ़ा सकता हो इंक्रीज कर सकता हो इंक्रीज करे क्योंकि एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य ही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए गए मैनिपुलेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखना तो हमारा सिस्टमेटिक वेरिएंस हमारे एक्सपेरिमेंट की एक बैकबोन है एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट टिका हुआ है यदि हम अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट सिस्टमेटिक वेरिएंस को सही से ना मेज़र कर पाएँ या सही से इसका प्रभाव ना देख पाएँ तो हमारे प्रयोग में हमारे एक्सपेरिमेंट में जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा उसकी कोई ज़्यादा उपयोगिता नहीं होगी तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिस्टमेटिक वेरिएंस के अतिरिक्त भी और किस तरह का वेरिएंस हमें हमारे प्रयोग में मिलता है और उसका क्या अर्थ है था हम लोग किस प्रकार उस वेरिएंस को डील करते हैं तो जो नेक्स्ट वेरिएंस है उसे हम कहते हैं एरर वेरिएंस। एरर का अर्थ है त्रुटियां गलतियां लेकिन यहां प्रयोग में एरर वेरिएंस का अर्थ है वह नॉन सिस्टमैटिक वेरिएंस, वह नॉन इंटेंडेड अर्थात वह वेरिएंस जो किसी सिस्टमैटिक प्रोसेस से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर है या ऐसा वेरिएंस जिसका प्रभाव हम देखना ही नहीं चाहते अर्थात यह नॉन सिस्टमेटिक हो और हमारे एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव और पर्पस से जुड़ा हुआ ना हो यह हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित तो कर रहा है लेकिन हम इसके प्रभाव को देखना नहीं चाहते और चाहते हैं कि यह प्रभाव हमारे प्रयोग में ना आए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित ना करे तो सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस को डिस्कशन करने के लिए हम पहले एक रिसर्च डिज़ाइन को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं और उस ग्राफिकली प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं कि एरर वेरिएंस हम किसे कहते हैं तथा एरियर वेर एरर वेरिएंस के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं तो फॉर एग्जांपल हम लोग यह जानना चाहते हैं कि टेम्परेचर तथा नॉइस का किसी भी व्यक्ति के एग्रेशन या प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इस परिस्थिति में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ एग्रेशन तथा टेम्परेचर तथा नॉइस ये दोनों हुए मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि हम इन्हीं दोनों का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना चाहते हैं तो इस परिस्थिति में सिस्टमैटिक वेरिएंस कौन सा होगा वह वेरिएंस जिसका कारण हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर या नॉइस या दोनों का इंटरेक्शन हो लेकिन यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि नॉइस और टेम्परेचर के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे कारक होंगे जो एग्रेशन को प्रभावित कर रहे होंगे जिसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है उनका सडनली मूड चेंज क्योंकि हम मूड को पहले से सिस्टमेटिकली प्रडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट है कि हम मूड के इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर पाएँ या ये जो एग्रेशन है ये टेम्परेचर नॉइज़ और इसके साथ साथ सडनली जो मेरे पार्टिसिपेंट हैं उनको नया वर्क मिल गया वर्क ओवरलोड एक्स्ट्रा हो गया तो वर्कलोड के कारण जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके एग्रेशन के लेवल में बढ़ोतरी हुई इसके अलावा भी और बहुत सारे अनप्रेडिक्टेड फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे सडनली कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसी घटना हुई जो मेरे पार्टिसिपेंट के एग्रेशन के लेवल को प्रभावित कर रही है तो कोई भी ऐसा कोई भी रैंडम कॉज जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकता है या चांस फैक्टर के जो वेरिएंस हमारे एग्रेशन में हमें मिल रहा है दिख रहा है वह बाय चांस आ गया है तो इस परिस्थिति में चूँकि हम लोगों को सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन का प्रभाव देखना है बाय चांस या किसी भी कारण से रैंडमली अगर कोई चेंजेस आए हैं तो वो मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है इसके अतिरिक्त एक और मेजर कॉज है जो डिपेंडेंट वेरिएबल के वेरिएशन वेरिएशन को प्रभावित करता है उसे हम लोग कहते हैं मेजरमेंट एरर यदि आपको पुराने लेक्चर्स याद होंगे तो हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी एकत्र एक की है डिस्कशन किया है और उसमें ये जाना है कि मेज़रमेंट का हमारी रिसर्च में कितना महत्वपूर्ण स्थान है तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव के अलावा भी और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा ये जो वेरिएबल्स हैं जैसे मेजरमेंट एरर अर्थात के एग्रेशन को टेम्परेचर को नॉइस को मेजर करते हुए जो एक्सपेरिमेंटर से गलतियाँ हुई हैं वो सब क्या होंगी एरर वेरियंस यदि कोई भी एज इट इज रैंडम कुछ हो गया रैंडम फ्लक्चुएशन आ गया तो ये सब क्या कहलाएगा एरर वेरिएंस। और भी कोई ऐसा रैंडम रीजन मूड वर्कलोड कोई भी ऐसा रैंडम चेंजेस जिसे एक्सपेरिमेंटर पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हो तो वो सारे फैक्टर्स को हम लोग एरर वेरिएंस की संख्या देते हैं इसमें मेजरमेंट एरर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेजरमेंट हमें क्या बताता है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का सही मायने में अर्थ क्या है मेजरमेंट हमें क्यों उपयोगी है उसके अर्थ की चूंकि हम पहले ही विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं तो आज ये देखते हैं कि मेज़रमेंट में किस तरह की एरर्स हमें मिल सकती हैं हम लोग मनोविज्ञान में बहुत सारे स्केल्स मेज़र्स यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेज़र करने के लिए जब हम लोग ये मेज़र डेवलप करते हैं तो ये इन्श्योर करते हैं कि हमारा मेज़र वैलिड हो रिलायबल हो और उसके नॉर्म्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए जा चुके हों तो इस किसी भी मेज़र में हमारे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स का होना अत्यधिक आवश्यक है तो किसी भी मेज़र की रिलायबिलिटी का क्या अर्थ है किसी भी मेज़र की रिलायबिलिटी का अर्थ है कि यदि उस स्केल से उस वस्तु का या उस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का हम मापन बार बार करें तो वह हमें एक ही जैसा रिजल्ट दे जैसे यदि हमारे पास एक स्केल है हाइट को मेज़र करने के लिए तो यदि वो एक स्केल एक पर्टिकुलर हाइट को आज पाँच सेंटीमीटर नाप रहा है तो बाद में भी दूसरी कंडीशंस में भी यदि वो पाँच सेंटीमीटर ही मापेगा तो हम उसे कहेंगे रिलायबल दूसरा मेज़रमेंट का करेक्टरिस्टिक है वैलिडिटी। वैलिडिटी का अर्थ होता है कि जो मेज़र जिस टास्क के लिए डेवलप किया गया है जिस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेज़र करने के लिए डेवलप किया गया है वह उसे ही मेजर करे तो इस क्वालिटी को हम लोग कहते हैं वैलिडिटी कि ये मेज़र वैलिड है इस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेज़र करने के लिए लास्ट है नॉर्म्स जब भी कोई मेज़र डेवलप किया जाता है तो जो उससे हमें आउटकम मिलता है या स्कोर मिलता है वो नंबर्स में होता है उन नंबर्स का क्या अर्थ है वो उस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के बारे में हमें क्या बता रहे हैं यह हमारे नॉर्म्स के द्वारा निर्धारित होता है कि यदि किसी स्केल पर किसी व्यक्ति के स्कोर ट्वेंटी से लेकर थर्टी तक है तो इन नंबर्स का क्या मतलब है यह हमें हमारे स्केल के नॉर्म्स के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है एरर वेरिएंस के बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन है वह है एक्सट्रेनियस वेरिएंस तो अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक्स्ट्रेनियस वेरिएंस के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे तो अभी जैसा हमने देखा कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अतिरिक्त भी बहुत सारे वेरिएबल्स से प्रभावित होता है वो वेरिएबल्स जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अतिरिक्त होते हैं वो सभी हमारे रिसर्च के लिए बहुत उपयोगी नहीं होते हैं तो चूंकि उनकी उपयोगिता हमारी रिसर्च में नहीं होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उन सभी वेरिएबल्स का फैक्टर्स का जो प्रभाव है अपने एक्सपेरिमेंट में कम से कम पड़ने दें तो इसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं के हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अतिरिक्त और वेरिएबल हैं जैसे किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हम लोग रिसर्च करते हैं वह व्यक्तियों पर होती है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है तथा व्यक्ति एक समय तथा दूसरे समय में भी डिफरेंट तरह का बिहेवियर एटीट्यूड कॉग्निशन रखता है तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ तथा एक ही व्यक्ति के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पर ये भी हमारे रिसर्च का जो परिणाम है उसे प्रभावित करते हैं तो जो वेरिएंस हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल के कारण हमें वेरिएंस मिलता है अर्थात वह वेरिएंस जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अतिरिक्त भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है उसको हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएंस कहते हैं एक्स्ट्रेनियस का हम अर्थ समझ सकते हैं एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा और भी कुछ वेरिएबल हैं जो हमारे वेरिएंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के अब इसके अलावा और जो रिलेटेड वेरिएबल हैं जैसे अगर मुझे वर्क मोटिवेशन का प्रभाव देखना हो परफॉर्मेंस पर तो वर्क मोटिवेशन के अतिरिक्त उससे जो रिलेटेड वेरिएबल हैं जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन भी मेरी परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उससे रिलेटेड वेरिएबल जो जुड़े हुए वेरिएबल होते हैं जिनकी नेचर सम एक जैसी होती है वो भी मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करने लगते हैं इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट की डिमांड कॉन्टेक्स्ट की डिमांड का अर्थ है कि वो एक्सपेरिमेंट कहाँ पर किया जा रहा है तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो प्रभाव पड़ता है उसको प्रभावित कर देता है जैसे यदि एक रिसर्च आप रोड पर करें दूसरी लैब में करें तीसरी किसी रियल सिचुएशन में करें चौथी किसी एक इनबाउंड जैसे क्लासरूम जैसी सेटिंग में करें तो आप देखेंगे कि ये सेटिंग ये कॉन्टेक्स्ट हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको प्रभावित करता है तो जो परफॉर्मेंस मेरा ऑर्गेनाइजेशन में होगा वो डिफ़रेंट होगा यदि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई डेटा कलेक्ट किया जाए तो मेरा परफॉर्मेंस डिफ़रेंट होगा या वही परफॉर्मेंस मुझे किसी एक लिमिटेड जगह पर कराया जाए जहाँ पर सभी लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हों तो मेरा परफॉर्मेंस डिफ़रेंट होगा तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली प्रभावित करता है तो कॉन्टेक्सटल फैक्टर्स इसके अलावा एक्सपेरिमेंटर खुद भी कई बार एक्सट्रेनियस वेरिएंस को क्रिएट करता है जैसे यदि एक प्रयोगकर्ता के अंदर किसी भी प्रकार का बायसनेस हो किस चीज़ को लेकर क्या इन व्यक्तियों में इस तरह का व्यवहार हो सकता है या नहीं हो सकता है मेरे अंदर उन रिसर्च वेरिएबल्स को लेकर सिलेक्शन को लेकर पार्टिसिपेंट को लेकर कोई परसेप्शन हो कोई बाइसनेस हो या मुझे लगता हो कि इस रिसर्च की कोई उपयोगिता नहीं है या बहुत उपयोगिता है किसी भी तरह का जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है इंटरेस्ट है जब कोई भी प्रयोगकर्ता किसी भी प्रयोग को करता है तो इस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है तो जब एक्सपेरिमेंटर की बाइसनेस का प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है तो उसे भी हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएंस कहते हैं एक्स्ट्रा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भी एक्स्ट्रा एक प्रभाव है इसके अलावा एक्सपेरिमेंटर की एक्सपेक्टेशंस जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में पढ़ता है उसके बारे में नॉलेज गेन करता है उसको प्लान करता है तो समहाव वो उससे कुछ अटैच हो जाता है और कुछ एक स्पेसिफिक तरह की एक्सपेक्टेशंस ओरिजिनेट करता है जब अगर कोई एक्सपेरिमेंटर अपने एक्सपेरिमेंट या आने वाले रिजल्ट को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे भी हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएंस कहते हैं इसके अलावा यदि सेलेक्शन में या सैम्पलिंग में हमसे कोई मिस्टेक हो जाए एक्सपेरिमेंटर से कुछ एरर हो तो उस कंडीशन में भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो प्रभाव पड़ता है जो चेंजेस आते हैं उसे हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएंस कहते हैं तो एक्सट्रेनियस वेरिएंस को समझने के बाद उसके अर्थ को समझने के बाद तथा उसके सोर्सेज को समझने के बाद अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से किन विधियों से इस एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल कर सकते हैं इसके प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हम अपने प्रयोग में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को क्लियरली देख सकें तथा अपने रिज़ल्ट को क्लियरली सपोर्टिव एविडेंस के साथ रिपोर्ट कर सकें तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्सटेनियस वेरिएंस को हम लोग किस किस प्रकार से कंट्रोल कर पाते हैं तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है वह है रैंडम सिलेक्शन। जैसा हम लोगों ने सोर्सेज में डिस्कस किया कि एक्सट्रेनियस वेरिएंस का एक क्या सोर्स हो सकता है सैम्पलिंग एरर या सैंपल बायस्ड तो यदि हमें अपने एक्सपेरिमेंट से सैम्पलिंग एरर या सैम्पल बायसनेस को कम करना हो या कंट्रोल करना हो तो उस कंडीशन में हमें किस तरह की सैंपलिंग यूज़ करनी चाहिए जिसमें हम लोग अपने पार्टिसिपेंट को रैंडमली सेलेक्ट करें रैंडम सेलेक्शन का अर्थ है कि जो पॉपुलेशन है उससे जो सैम्पल हम लोगों ने ड्रॉ किया वह रैंडम सैम्पलिंग के डिफ़रेंट डिफरेंट मेथड्स से हम लोग यूज़ करें और ये देखें कि हमारा जो सैंपल है हमारी पॉपुलेशन की जो करैक्टर हैं उन्हें जितना ज़्यादा हो सके रिप्रेजेंट करें या हम टेक्निकली ये कहें कि हमारा सैम्पल हमारी पॉपुलेशन की करेक्टरस्टिक्स को एज़ इट इज़ रिप्रेजेंट करें तब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में सैम्पल और सैम्पलिंग की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है दूसरा मेथड है रैंडम असाइनमेंट रैंडम असाइनमेंट का अर्थ है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन से सैम्पल मिला है अर्थात जिन लोगों को हमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना है उन लोगों का हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं या ट्रीटमेंट कंडीशंस या और भी किसी भी तरह का मैनिपुलेशन जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किया है उन कंडीशंस में हम लोग रैंडमली अपने सैंपल से अपने पार्टिसिपेंट को चुने अर्थात ये जो सैंपल है इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी हो यह सेलेक्ट होने में कि वो किसी भी ट्रीटमेंट कंडीशन या लेवल्स में सेलेक्ट हो सकें इक्वल प्रोबेबिलिटी सभी पार्टिसिपेंट के पास कि वो किसी भी लेवल पर ट्रीटमेंट कंडीशन में वो जा सकें तो इसे हम लोग कहते हैं रैंडम असाइनमेंट तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने दोनों कंडीशंस में पॉपुलेशन से सैम्पल ड्रॉ करते हुए और सैम्पल से हमें जो हमारी ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन हैं उसमें जो पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन हुआ है वो रैंडमली हुआ है रैंडम असाइनमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि यह पॉसिबिलिटी भी है कि हम पॉपुलेशन से तो सैम्पल ड्रॉ करें रैंडम सिलेक्शन से रैंडम मेथड से लेकिन अब इस सैंपल से हम लोग बिना किसी रैंडम सैम्पलिंग के सिर्फ जो हमें लगा कि हम इसे लेवल ए में डाल देते हैं इसे लेवल बी में डाल देते हैं इन्हें लेवल थ्री में इन्हें लेवल फोर में या अपने कन्वीनेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग सैंपल से अलग अलग ग्रुप्स में अपने पार्टिसिपेंट को पिक कर लें तो हमारे पास एक बार फिर एरर की पॉसिबिलिटी होगी तो इस एरर की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल करने के लिए हम लोग अपने पार्टिसिपेंट का ट्रीटमेंट कंडीशंस में रैंडमली असाइनमेंट करते हैं इसके बाद है मैचिंग मैचिंग को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जैसे यदि मेरी रिसर्च का उद्देश्य है कि लीडरशिप का प्रभाव हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पर देखना तो इस कंडीशंस में हम लोग ये देखते हैं कि लीडरशिप के प्रभाव के साथ साथ और भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ का स्किल का लेवल हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है इस कंडीशन में यदि मुझे अपने एम्प्लॉयज के स्किल के लेवल के प्रभाव को कंट्रोल करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो स्किल के लेवल्स हैं उनके आधार पर कुछ मैच ग्रुप बना लूं के जिनका स्किल का लेवल फॉर एग्जांपल हाई है उनका एक अलग ग्रुप जिनका कुछ मीडियम है उनका अलग ग्रुप जिनका स्किल लेवल काफी लो है उनका एक अलग ग्रुप तो यहां पर मैंने क्या किया कि एक करेक्टर स्टिक के आधार पर मैंने अपने पार्टिसिपेंट को कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन टेक्निकली मैंने क्या किया मैंने एक क्वालिटी के आधार पर अपने ग्रुप्स को मैच किया यहाँ पर हाई लेवल यहाँ मीडियम लेवल के स्किल यहाँ पर लो लेवल की स्किल तो जब मैं ये मैच ग्रुप से एक फाइनली सिलेक्शन करूँगा और हाई ग्रुप से भी उतने ही लूँगा मीडियम ग्रुप से भी मेरा सिलेक्शन वैसे ही होगा और लो ग्रुप से भी तो ये जो संभावना है कि हाई ग्रुप वाले लोग लीडरशिप की एक थेरी से या लीडरशिप के एक स्टाइल से वाले ग्रुप में पड़े तो हाई लेवल वाले स्किल्ड लोगों की परफॉर्मेंस ऑलरेडी अच्छी होगी तो यह ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप के स्टाइल का प्रभाव परफॉर्मेंस पर पड़ा हो हो सकता है क्योंकि इस पर्टिकुलर लीडरशिप की स्टाइल में हाईली स्किल्ड लोग आ गए थे तो परफॉर्मेंस हमारी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई लेकिन दूसरी स्टाइल लीडरशिप की सेकंड स्टाइल इस वाले ग्रुप में जो लो स्किल्ड पॉपुलेशन थी एम्प्लॉयज़ थे वो आए तो एक्चुअली लो स्किल जो लोग थे उनकी वजह से जो परफॉर्मेंस थी वो लो रही तो यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल का प्रभाव ना होकर यह संभावना है कि एम्प्लॉयज़ की हाई स्किल मीडियम स्किल और लो स्किल का प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर ज़्यादा पड़ रहा हो तो जब हम लोग कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं उन वेरिएबल्स के आधार पर जहाँ पर हम उन्हें उस करेक्टर स्टिक के अकॉर्डिंगली मैच कर सकते हो तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं मैचिंग अब नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन एलिमिनेशन का अर्थ है किसी भी चीज को बाहर कर देना रिसर्च में हम लोग किस चीज को कैसे बाहर कर सकते हैं जैसे यदि इसी एग्जांपल में हम देखें लीडरशिप के स्टाइल का प्रभाव हमें किस पर देखना था परफॉर्मेंस पर हमने देखा कि स्किल का भी प्रभाव पड़ता है तो हमने मैच्ड ग्रुप के माध्यम से उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जेंडर का भी रोल है हो सकता है जो मेल है उनका परसेप्शन उनका चीज़ों को लेने का तरीका अलग हो जो फीमेल्स हैं उनका अलग हो और ये जो लीडरशिप स्टाइल है इसके प्रभाव के साथ साथ जेंडर का भी प्रभाव परफॉर्मेंस पर पड़ रहा हो और हमें ये लगे कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जेंडर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ कि जेंडर का एक लेवल मेल या फीमेल इनमें से किसी एक पर ही डेटा कलेक्ट करूं तो होगा क्या यदि मैंने सिर्फ मेल पर डेटा कलेक्ट किया है तो अब ये क्वेश्चन नहीं होगा कि जेंडर की वजह से इस रिजल्ट में कोई वेरिएशन है ये नहीं होगा कि मेल अलग फीमेल अलग परसेप्शन है तो उस वजह से हमारी लीडरशिप स्टाइल का जो प्रभाव है वो प्रभावित हुआ तो हम लोग इस प्रकार किसी एक वेरिएबल की पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी को एलिमिनेट करके अपने एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वह है डबल ब्लाइंड प्रोसीजर डबल ब्लाइंड प्रोसीज़र हमें एक्सपेरिमेंटर के कारण जो एक्सट्रेनियस वेरिएंस उत्पन्न होता है उसे कंट्रोल करने में मदद करता है डबल ब्लाइंड प्रोसीजर का अर्थ है कि प्रयोज्य अर्थात पार्टिसिपेंट्स एवं प्रयोगकर्ता दोनों को ही एक्सपेरिमेंट पूरा होने तक यह जानकारी नहीं होती है कि किस ग्रुप पर या किन पार्टिसिपेंट्स को ट्रीटमेंट या आईवी का एक्सपोजर दिया जाना है या दिया गया है डबल ब्लाइंड प्रोसीजर के द्वारा हम प्लेसिबो इफेक्ट एवं एक्सपेरिमेंटल बाइसनेस को कम करने का प्रयास करते हैं इसके अलावा भी अभी हमारे पास और बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएंस के प्रभाव को कम कर सकते हैं उसमें जो अगली विधि है उसका नाम है काउंटर बैलेंसिंग काउंटर बैलेंसिंग का इस्तेमाल हम लोग उन परिस्थितियों में करते हैं जहां पर हमारे ऑर्डर का इफेक्ट अर्थात जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने मैनिपुलेशन किया है या टास्क निर्धारित किए हैं हम उन्हें किस प्रकार से अपने पार्टिसिपेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं किस ऑर्डर में प्रेजेंट कर रहे हैं जब उस ऑर्डर का प्रभाव या कैरी ओवर इफ़ेक्ट अर्थात यदि हमने एक एक्सपेरिमेंट में चार टास्क डिसाइड किए तो जब एक व्यक्ति एक टास्क को पूरा किया फिर सेकेंड टास्क में आया तो जो उसने फर्स्ट टास्क से लर्न किया उसका प्रभाव कैरी ओवर हुआ सेकेंड टास्क में सेकेंड टास्क से थर्ड टास्क में तो ये टास्क में उसने जो एक्सपीरियंसेस गेन किए जो उसने लर्न किया वो इफ़ेक्ट कैरी ओवर होता चला गया और जो लास्ट की कंडीशन थी उसमें हमने देखा कि हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला जबकि वो सिर्फ़ लास्ट वाली कंडीशन की वजह से या लास्ट टास्क के स्टेट की वजह से ना होकर जो उसने धीरे धीरे कैरी ओवर में इस इन्फ्लुएंस को इस वेरिएंस को लर्न किया वो उसके लास्ट वाले स्टेज में हमें रिफ्लेक्ट हुआ इसके अलावा ऑर्डर इफ़ेक्ट ऑर्डर इफ़ेक्ट का अर्थ है कि जब हम लोग यह टास्क निर्धारित करते हैं और उस टास्क को प्रेजेंट करते हैं तो हम किसी ना किसी एक ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे पहले एक टास्क या फिर दूसरा टास्क फिर तीसरा टास्क या जो स्केल हैं उनमें जो आइटम्स होते हैं वो आइटम्स किसी ना किसी ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं तो आप देखेंगे कि जो टास्क जो आइटम या जो इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दी जाती है उसका एक अलग प्रभाव होता है लेकिन धीरे धीरे जो सेकेंड ऑर्डर में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थर्ड ऑर्डर में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई फोर्थ ऑर्डर में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई उसका प्रभाव उस ऑर्डर की वजह से बदलता रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को किस ऑर्डर में प्रेजेंट किया ये भी प्रभावित करता है उस इन्फॉर्मेशन का जो रियल इफेक्ट है उसको तो इनको मैनेज करने के लिए कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास मेथड हैं वह है काउंटर बैलेंसिंग इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे यदि हमारे पास कोई दो टास्क हैं टास्क ए और टास्क बी तो यदि हमें टास्क ए और टास्क बी के ऑर्डर इफ़ेक्ट को कंट्रोल करना हो तो हम क्या करेंगे कि यदि पहली बार में हमने सबसे पहले टास्क ए दिया फिर टास्क बी अगर रखा तो अगली वाली कंडीशन में बी को हम फर्स्ट और ए को हम सेकंड कर देंगे तो यहाँ हमने क्या किया ए और बी के ऑर्डर को चेंज कर दिया बैलेंस किया पहले अगर कोई इस बार फर्स्ट है तो सेकंड है तो अगली बार सेकंड वाला सेकंड फर्स्ट और फर्स्ट वाला सेकंड। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सटेनियस वेरियंस जो कि कैरी ओवर या ऑर्डर के इफ़ेक्ट से आता है उसे बैलेंस कर पाते हैं काउंटर बैलेंसिंग के कुछ टाइप्स हैं पहला है काउंटर कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हमारे टास्क के हम उन सब कॉम्बिनेशंस को चेंज करते हैं और उन कॉम्बिनेशंस में अपना डेटा कलेक्ट करते हैं जैसे यदि मेरे पास तीन लेवल्स हों या तीन टास्क हों और हमें इसको कंप्लीटली काउंटर बैलेंस करना हो तो मेरे पास कितने अवेलेबल कॉम्बिनेशंस होंगे ए बी सी बी सी ए सी ए बी ए C B B A C C B A तो इस तरह हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग में हम इन सभी कंडीशंस को जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे सभी का यूज़ करते हैं इसीलिए इसे कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग कहते हैं दूसरा मेथड होता है पार्शियल काउंटर बैलेंसिंग इसका जो थ्योरेटिकल बेसिस है वो रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही है जैसे यदि हम इन सभी कॉम्बिनेशंस को ना रखें और ये इंश्योर करें कि ये जो ऑर्डर है ये हमारे सभी पार्टिसिपेंट को रैंडमली प्रेजेंट होगा मैं पहले से कोई ऑर्डर निर्धारित नहीं करूँगा क्या टास्क या क्या आइटम पहले आने वाला है वो रैंडमली डिसाइड होगा वो रैंडमली जनरेट होगा तो उस कंडीशन में हम ऑर्डर के इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर पाते हैं तो यदि हम लोग सभी कॉम्बिनेशंस को यूज़ ना करके रैंडमली हम लोग अपने आइटम्स को अपनी कंडीशंस को प्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसे पार्शियल काउंटर बैलेंसिंग कहते हैं रिवर्स काउंटर बैलेंसिंग जैसा कि नाम से ही दिख रहा है रिवर्स काउंटर बैलेंसिंग में हम लोग ये जो ऑर्डर है इसे रिवर्स कर देते हैं तो यदि ए बी सी एक ऑर्डर है तो जब हम इसे बैलेंस करना होगा तो नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे सी बी ए तो पहले वाले ऑर्डर के जस्ट रिवर्स में हमने नेक्स्ट कंडीशन जनरेट की उसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है वह है एडिंग अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडिंग अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग यदि हमें ऐसा ज्ञात होता है कि जो नेक्स्ट वेरिएबल है और वो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड और उसका इफ़ेक्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग उस वेरिएबल को एक नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करने लगते हैं जैसे यदि हमें लगे कि लीडरशिप के साथ साथ एम्प्लॉयज़ की वर्क मोटिवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए तो यहाँ पर हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में अपनी स्टडी में लीडरशिप के साथ साथ वर्क मोटिवेशन को भी एक नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ऐड कर लेते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग इसके प्रभाव को एक्सटेनियस वेरिएंस की तरह ट्रीट ना कर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव की तरह एग्जामिन करते हैं तो इसे कहते हैं नए वेरिएबल को एज ए इंडिपेंडेंट रोल देना इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कम कर सकते हैं जैसे कोवेरियंस यदि दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ कोवेरी करते हैं और उसका प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग उस कोवेरियंस के प्रभाव को कंट्रोल कर पाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल करने के मेथड्स के बाद अब हम लोग जो डिस्कशन करते हैं यह है हमारे एक्सपेरिमेंट के पर्पस को रिप्रेजेंट करता है यह है प्रिंसिपल कहलाता है मिन कौन मैक्स प्रिंसिपल मिन का अर्थ है मिनिमम या मिनिमाइज़ करना तो हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में किसके प्रभाव को मिनिमाइज करते हैं एरर के तो जो एक्स एरर वेरिएंस है उसके प्रभाव को हम लोग मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं दूसरा है कौन का अर्थ कंट्रोल तो हम किस वेरिएंस को कंट्रोल करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएंस तो अपने एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल करते हैं तो ये कंट्रोल के फंक्शन में आता है मैक्स मैक्स का अर्थ है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम हम अपने एक्सपेरिमेंट में किसके प्रभाव को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अधिकतर देखना चाहते हैं वह है हमारा सिस्टमेटिक वेरिएंस। तो यदि हम कहें कि हमें अपने एक्सपेरिमेंट में किसको मैक्सिमाइज़ करना है सिस्टमेटिक वेरिएंस को कंट्रोल किसको करना है एक्सट्रेनियस वेरिएंस को और मिनिमाइज किसको करना है एरर वेरिएंस को तो इसी को हम लोग मिन कॉन मैक्स प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड है जुड़ा हुआ है प्रयोग के उद्देश्य से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रयोग की इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि आंतरिक और बाह्य वैधता क्या है और इसका क्या प्रभाव हमारे रिजल्ट पर पड़ता है तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग किस प्रकार मैनिपुलेट करते हैं सिस्टमेटिकली उसमें ऑर्गेनाइज फॉर्म में मैनिपुलेशन चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं हम एरर का जो वेरिएंस है उसे मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं तथा जो एक्सट्रेनियस वेरिएंस है उसको हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो ये जो सारी कंडीशंस हैं ये क्या बढ़ा रही हैं मेरे एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी इंटरनल का अर्थ है जो उसके अंदर ही निहित हैं किसके हमारे प्रयोग की प्रक्रिया के अंदर तो प्रयोग की प्रक्रिया प्रक्रिया के अंदर जो निहित स्टेप्स हैं जो निहित हमारे पास कंडीशंस हैं जब हम उनको ठीक से फुलफिल करते हैं अच्छे से अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं तो वो क्या इंश्योर करता है इंटरनल वैलिडिटी तथा अब बात आई एक्सटर्नल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी जर्नलाइजेशन से रिलेटेड है यदि हम रिसर्च के स्टेप्स को याद करें तो हमें यह याद आएगा कि हम अपनी रिसर्च में पॉपुलेशन से सैम्पल कलेक्ट करते हैं सैम्पल पे डेटा कलेक्ट करते हैं उससे रिज़ल्ट गेन करते हैं और उस रिज़ल्ट को जो हमें मिलता है उसे जर्नलाइज करते हैं वापस पॉपुलेशन पर तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का अर्थ है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे जो हमें रिज़ल्ट मिला है क्या वो बाहर अगर हम जर्नलाइज़ करें तो क्या उसी एक्सटेंट तक जर्नलाइज होगा या जो हमें रिज़ल्ट हमें एक्सपेरिमेंट में मिला है वो सिर्फ उस लैब सेटिंग के लिए उस कंडीशन के लिए जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया उसी के लिए वैलिड है लेकिन बाहर की कंडीशंस में वह उतना रियल नहीं है तो उससे हम कहेंगे मिनिमम एक्सटर्नल वैलिडिटी एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी के साथ साथ एक्सटर्नल वैलिडिटी भी मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो रिज़ल्ट हमें हमारे एक्सपेरिमेंट में मिले हैं वो हमारी पॉपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल में आ सके तो इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के डिस्कशन को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टमेटिक वेरिएंस, एक्सट्रेनियस वेरिएंस, एरर वेरिएंस और एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल करने की जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आप सभी का दिन शुभ हो